आपको बता दें कि थाना फ्रेश क्षेत्र के हनुमान मंदिर के पास रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिवार के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया है। दीपक पुत्र भगवती निवासी घड़ी पचौरी उम्र 22 वर्ष मृतक युवक रेलवे फाटक के पास दुकान चलाता था। मृतक शाम को दुकान से टॉयलेट के बोल कर गया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है? घटना जी भैया सब मैं ड्यूटी गार्ड भी कर के जाऊँ तो वो मुझसे बोले को पापा मैं टॉयलेट कर रहा हूँ 8:30 बजे की बात हुई। मैंने कहा करे बेटा फिर मैंने कहा घर चलेंगे हम दोनों संग। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर मैं मोबाइल में राम आठ देख रहा हूँ। फिर बाद मैंने फ़ोन करो तो फोन घंटी जाए फिर फोन नहीं था। और फिर रात वो हमने डोले फिर घर गए और फिर लड़का ने लेके आया और दोनों तीनों लेन दे दी। तो मैं बस स्टैंड स्टेशन में आऊँ इधर उधर सब राम देखे हमें तो कहीं नहीं ठीक आ गया। क्या लगता है किस तरीके की आशंका है? तो सुबह किसी ने मार आया सर उसमें लैंड गाड़ी से तो नहीं मारा क्यों सुबह के फैसला आशा जब 2 बजे तो हमारे 3 या 2 बजे लाश आए 3 ही बजे तक वहाँ पे आगे तक कई लड़का गए 3-4 जने देख लें पूरी रात डोले। क्या लगता है आप लोगों को किसी ने मारा है